हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। आज हम देखने वाले हैं विभक्ति के नियम, यानी क्या डिविजिबिलिटी रूल। इससे क्या होगा कि अगर हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करेंगे, संख्या पद्धति के क्वेश्चन करेंगे, तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूं आपको तो नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाए। तो शुरू करते हैं दो से विभक्त होने का नियम। दो से विभक्त होने का नियम क्या है? जैसे कोई सी भी संख्या हो, अगर हमें चेक करना है कि यह दो से विभक्त है, यानी दो से भाग हो जाएगी पूरी पूरी या नहीं, ये कोई सी भी संख्या हो, दो से विभक्त का रूल क्या है देखते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या हो तो वह पूरी संख्या दो से पूर्णतः विभक्त होगी। इकाई अंक मतलब क्या होता है? ये होता है इकाई अंक, ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, ऐसे चलता है। तो ये होता है इकाई अंक, यानी जो पहला होता है दाएं साइड पर जो पहला है, ये सब होता है इकाई अंक। यहाँ अगर हमें क्या दिख जाएगा, 0, 2, 4, 6, 8, तो ये पूरी संख्या, ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? दो से विभक्त हो जाएगी। एक हम करके देख लेते हैं, कोई से भी एक वाली देख लेते हैं, 512। जैसे 512 को अगर हम चेक करें तो दो से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा? दो बार, दो दुने चार, कितना बचेगा? एक, एक ये नीचे आएगा। कितनी बार जाएगा? पांच बार, दो पंजे दस। अब कितना बचेगा? एक, एक बचा, दो नीचे आएगा। कितनी बार जाएगा? छः बार, दो छः बारह। तो ये क्या हुआ? दो से पूरी की पूरी संख्या कट गई। कटने का मतलब क्या है? यहाँ कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो कोई सी भी संख्या अगर हम चेक करेंगे तो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। आपने दो से विभक्त होने का नियम बहुत ही अच्छे से देख लिया। अब ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तीन से विभक्त होने का नियम देखते हैं। तीन से विभक्त होने का नियम मतलब क्या? ये पूरी की पूरी संख्या तीन से विभक्त होगी या नहीं, ये हमें पता करना है। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग तीन से पूर्णतया विभक्त होगा तो पूरी संख्या तीन से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? जो भी संख्या अगर हमें चेक करना है तो इसके जो एक एक अंक है, इन सब अंकों को अगर हम प्लस करें, जो इनका जोड़ आएगा, जो इनका योग आएगा, वो अगर तीन से विभक्त होगा तो पूरी संख्या तीन से विभक्त हो जाएगी। तो अब इसको सबको प्लस करते हैं, 7, इसको चेक करते हैं, 7 + 5 + 6 + 8 + 4, इन सबको अगर हम प्लस करें तो कितना होगा? 7 × 5 = 12, 12 × 6 = 18, 18 × 2 = 20, 6 × 26 = 30। तो कितना आ गया? ये 30। तो 30 को अगर हम चेक करें, तीन से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा? यानी 10 बार जाएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो क्या हुआ? ये कि 30 तीन से डिवाइड है तो पूरी की पूरी संख्या तीन से डिवाइड हो जाएगी, यानी तीन से विभक्त हो जाएगी। इसको अगर हम चेक करें तो इन सबको प्लस करें, 9, 6, 3, 4, 2 और 1, तो इन सबको प्लस करते कितना आएगा? ये आएगा 25। 25 को अगर हम तीन से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा? 8 बार, 3 × 8 = 24। कितना शेषफल? एक शेषफल बच गया, यानी 25 तीन से डिवाइड नहीं हुआ तो ये पूरी संख्या तीन से डिवाइड नहीं होगी। तो क्या है? अगर संख्या के सभी अंकों का योग तीन से विभक्त है तो पूरी संख्या तीन से विभक्त हो जाएगी। आपने इसको बहुत ही अच्छे से सीख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 9 से विभक्त होने का नियम देखते हैं। यानी क्या? इस संख्या को अगर हमें चेक करना है कि ये पूरी संख्या 9 से विभक्त होगी या नहीं, तो इसके लिए क्या रूल है उसे देखते हैं। तो 9 से विभक्त होने का क्या नियम है? यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभक्त होगा तो पूरी संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। सेम जैसे 3 का रूल था, वैसे ही 9 का भी रूल होता है। तो क्या करना है? जितने इसके अंक है, इन सब अंकों को प्लस करना होगा। अगर वो जितना योग आएगा, उनका प्लस करने के बाद, जोड़ने के बाद जितना आएगा, वो अगर 9 से विभक्त है तो पूरी संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी। तो इन सबको अगर हम प्लस करें तो कितना आएगा? 7, 5, 12, यानी क्या होगा? 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3, इन सबको प्लस करना होगा। 7, 5, 12, 12, 4, 16, 16 और 6, 16, 4, 20, 2, 22, 22, 2, 24, 3, 27, यानी कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। तो 27 को अगर हम 27 को 9 से डिवाइड करें तो 27 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा? 3 बार, ये पूरा का पूरा कट गया। तो 27 जब ये कट गया, 9 से डिवाइड है, तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? पूरी की पूरी संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी। तो पूरी संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी। आपने 9 से विभक्त होने का नियम भी बहुत ही अच्छे से सीख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 4 से विभक्त होने का नियम देखते हैं। यानी क्या है? ये पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी या नहीं, ये हमें पता करना। तो इसके लिए क्या है? जब दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त होगी तो पूरी संख्या 4 से विभक्त
होगी। क्या होगा, यानी जो इसका इकाई और दहाई, ये जो लास्ट के दो डिजिट होती हैं, जो लास्ट की दो डिजिट होते हैं, इनको ही हमें बस चेक करना होता है, इस पूरी संख्या को चेक करना नहीं होता, बस लास्ट की जो दो डिजिट होती हैं इनको ही चेक करना होता है। अगर ये दो जो लास्ट की दो डिजिट हैं अगर चार से पूर्णता विभक्त हो जाएंगी तो पूरी की पूरी संख्या चार से विभक्त हो जाएगी, आगे कुछ भी हो चार से पूरा वो कट जाएगा, बस लास्ट का दो डिजिट, ये जो लास्ट का दो डिजिट है इसे ही हमें चेक करना होता है। तो करते हैं हम, लास्ट में क्या है 32 है तो इसको चेक करना है, तो करते हैं कितनी बार जाएगा, 4 8 32 यानी 8 बार जाएगा, ये 32 पूरा का पूरा कट गया। इसका मतलब क्या है, ये पूरी की पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। आपने 4 से भी विभक्त होने का नियम बहुत ही अच्छे से देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 8 से विभक्त होने का नियम देखते हैं। 8 से विभक्त होने का नियम मतलब क्या, ये पूरी की पूरी संख्या अगर हमें चेक करना है कि ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी या नहीं, तो क्या करेंगे उसके लिए, उसके लिए क्या रूल है, क्या नियम है, जब सैकड़ा दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त होगी तो पूरी संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त होगी। इसका मतलब क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी लास्ट की जो तीन डिजिट है ये क्या है, सैकड़ा है, ये दहाई है और ये इकाई है। चार से क्या था, इकाई और दहाई यानी दो संख्याएं थी, लेकिन आठ के लिए क्या है, तीन संख्याएं लास्ट की लेना होता है, बस इन तीन संख्याओं को ही हमें चेक करना होगा। अगर ये तीन संख्याएं आठ से विभक्त हो जाएंगी तो पूरी की पूरी संख्या आठ से विभक्त हो जाएगी, तो बस हमें तीन को ही चेक करना है, तो हम तीन को ही चेक कर लेते हैं। क्या है, 416 है, इसको 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो कितनी बार जाएगा, 8 5 40 पाँच बार जाएगा, 8 5 40 कितना बचेगा, एक बचेगा यहाँ, अरे 6 नीचे आ जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, दो बार, 8 2 16 एक पूरी की पूरी संख्या कट गई, ये 416 क्या हुआ, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, तो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। बस क्या करना होता है हमें, तीन संख्याएं लास्ट की ही चेक करनी होती है, तो आपने इसको भी बहुत अच्छे से सीख लिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 5 से विभक्त होने का नियम देखते हैं। जैसे कि दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं को अगर हमें चेक करना है कि ये संख्याएं 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी या नहीं, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए चेक करेंगे, इसके लिए नियम क्या है, जब इकाई अंक 0 5 होगा तो पूरी संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इकाई अंक यह है, इकाई अंक यह है, 0 और 5 होगा तो पूरी संख्या 5 से विभक्त हो जाएगी। एक चेक करके देख लेते हैं, ऊपर वाली चेक कर लेते हैं, 8 6 7 3 और 5 इसको 5 से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, ये एक बार जाएगा, 5 1 5 कितना बचेगा, 8 में से 5 गया तो 3 आएगा, 6 नीचे आएगा, ये कितनी बार जाएगा, 5 7 35 7 बार जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 5 गया 1, अब 7 नीचे आएगा कितनी बार जाएगा, 5 3 15 3 बार जाएगा, 5 3 15 अब कितना बचेगा, 7 में से 5 गया 2, अब फिर 3 नीचे आएगा कितनी बार जाएगा, 4 बार, 5 6 20 अब 3 आएगा इसमें से 3 बचा, यहाँ कितना बचेगा, 3, अब क्या नीचे आएगा, 5, अब कितनी बार जाएगा, 7 बार, 5 7 35 तो क्या हुआ है, पूरी की पूरी संख्या कट गई। तो क्या हुआ है, जब पूरी संख्या कट गई इसका मतलब क्या था, हमें बस लास्ट में क्या देखना होता है, जो यूनिट डिजिट है यानी कि जो ये इकाई अंक है, इकाई अंक अगर 0 5 होगा तो हमें चेक नहीं करना है ऐसे, बस हमें सीधा क्या करना है, आंसर पता कर लेना है कि ये डिवाइड हो जाएगी, बस ये है, 0 और 5 दिखना चाहिए थे, पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाती है, आपने इसको बहुत ही अच्छे से सीख लिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 6 से विभक्त होने का नियम देखते हैं, यानी क्या ये जो संख्या दी हुई है इस संख्या को हमें चेक करना है कि ये संख्या 6 से विभक्त है या नहीं, इतनी बड़ी हो या कितनी भी बड़ी संख्या हो तो इसे कैसे चेक करेंगे, यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतया विभक्त है तो वह पूरी संख्या 6 से भी पूर्णतया विभक्त होगी। इसका मतलब क्या, हमने 2 और 3 का देख लिया है कि कैसे चेक करा जाता है, 2 के लिए क्या है, जो यूनिट डिजिट है यहाँ होना चाहिए 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो 2 से पूरी संख्या कट जाएगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ 4 है, ये 2 से डिवाइड पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो जाएगी। और क्या है, 3 से चेक करना है, 3 से चेक करने के लिए क्या है, जो इनका सम होगा अगर 3 से डिवाइड होगा तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो चेक करते हैं 2 और 3 कितना होगा, 5 और 4 9, तो 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये पूरी की पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये 3 से भी डिवाइड है, तो जब 2 और 3 दोनों से डिवाइड है तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। एक बार चेक करके देख लेते हैं हम, जैसे क्या है, 234 है, 234 को अगर हम 6 से डिवाइड करके देखें तो कितनी बार जाएगा, 3 बार 6 3 18 3 बार जाएगा, 6 3 18 बचेगा कितना, 13 में से 8 जाएगा, तो कितना बचेगा, 13 में से 8 गया तो 5, यहाँ कितना आएगा, 4,
कितनी बार जाएगा, 9 बार, 6 9 में 54, यानी कि ये क्या है पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, ये 6 से पूरी की पूरी कट गई। तो हमें ऐसे 6 से नहीं करना, बस बड़ी सी संख्या होगी तो 2 और 3 से दोनों से देख लेंगे तो 6 से भी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 7 से विभक्त होने का नियम देखते हैं। जो संख्या दी हुई है इसे 7 से विभक्त करेंगे तो पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी या नहीं, इसे चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक के दुगने को घटा देने के बाद बची संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त हो तो पूरी संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो इकाई अंक है इसका दुगना करना है और इसमें से जो बची संख्या है उसको घटा देना है। जो आएगा, अगर वो जो आएगा 7 से विभक्त है तो पूरी की पूरी संख्या 7 से विभक्त हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, करते हैं, तो ये 88 है जिसका दुगुना करना है, इसका दुगुना करके जो शेष बची संख्या इसमें से घटाना, तो कितना आ जाएगा, 88 में से 4 गया तो 84 आ जाएगा। इसको चेक करना है, अगर 7 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो करते हैं, 84 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 7 एकम 7 कितना बचेगा, 1 बचेगा, ये 4 नीचे आएगा, 2 बार जाएगा, 7 दुनी 14, यानी कि ये पूरा का पूरा 84 7 से डिवाइड हो गया तो ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो 7 से डिवाइड होने का रूल आपने बहुत अच्छे से देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 10 से विभक्त होने का नियम देखते हैं। 10 से विभक्त यानी कि इस पूरी संख्या को चेक करना है हमें, 10 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी या नहीं, इसके लिए क्या रूल है, क्या नियम है। यदि दी गई संख्या 2 और 5 दोनों से पूर्णतया विभक्त है तो 10 से भी पूरी, यानी 10 से भी पूरी संख्या पूर्णतया विभक्त होगी। इसका मतलब क्या है, अगर ये 2 से भी विभाजित है, 2 से और 5 से पूरी तरह विभाजित है तो क्या होगी, 10 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। 2 से विभाजित होने का और 5 से विभाजित होने का नियम हमने बहुत अच्छे से देख लिया है। 2 से विभाजित होने का नियम क्या है, 2 से विभाजित होने का नियम क्या है, इसका जो इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है, यहाँ क्या होना चाहिए, 0, 2, 2, 4, 6, 8 ये सब होगा अगर, तो 2 से पूरी तरह से वो विभाजित हो जाएगी। तो हमें 0 दिख गया, इसका मतलब ये 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाजित होने का नियम क्या है, 5 से विभाजित होने का नियम क्या है, इकाई अंक पे 0 और 5 होगा तो संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो 2 और 5 दोनों से हो गई तो ये पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी, 10 से भी हो जाएगी। तो चेक कर लेते हैं एक बार, जैसे क्या है, 25 है, 30 है, इसको अगर हम 10 से भाग करें तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 10 दूनी 20, कितना बचेगा, यहाँ 5, 3 आएगा नीचे, अब कितनी बार जाएगा, 10 पंजे 50, यानी 5 बार जाएगा तो अब कितना बचेगा, 3, और ये 0 आएगा नीचे, अब कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 10 या 30, यानी अब पूरी की पूरी संख्या कट गई। इसका मतलब क्या था, हमें अगर बस 2 और 5 से चेक करना है, 2 और 5 से विभाजित है तो 10 से भी हो जाएगी। आपने 10 से विभाजित होने का नियम बहुत अच्छे से सीख लिया। एक लास्ट देख लेते हैं, लास्ट क्या है, 11 से विभक्त होने का नियम देख लेना, यानी पूरी संख्या को हमें चेक करना है कि 11 से विभक्त होगी या नहीं। इसके लिए क्या नियम है, इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0 और 11 हो तो वह पूरी संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त होगी। इसका मतलब क्या, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से चलना है, सम स्थानों को लेना है, यहाँ से चलना है, यानी कि क्या, 3 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 9, इनको प्लस करना है, जो आएगा यानी कितना आएगा, इनको प्लस करने पे आएगा 21, और फिर इसके बाद इनको प्लस करना है, एक एक संख्या छोड़ के, इनको अगर हम प्लस करेंगे कितना आएगा, 2 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 6, इनको प्लस करना कितना आएगा 21, तो इनका अंतर देखना है, इनका अंतर अगर 0 या 11 आ गया तो अंतर कितना है 0, अगर 0 या 11 आ गया तो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभक्त हो जाएगी। तो 0 आ गया तो पूरी संख्या 11 से विभक्त हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, आपने सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल को पूरा अच्छे से सीख लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।